लोकसभा चुनाव 2019 को पूर्ण बहुमत से जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा कमल संदेश मोटरसाइकिल रैली का आयोजन शनिवार को महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान से निकाला गया। कमल संदेश मोटरसाइकिल रैली को मुख्य अतिथि विधायक पंकज सिंह ने मंच से पार्टी का झंडा दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में पूरे जोश और उत्साह के साथ रैली में हिस्सा लिया। मोटरसाइकिल चलाकर मुख्य अतिथि ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। रैली में भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राहुल श्रीवास्तव, प्रतिष्ठित व्यापारी पुष्पदत्त जैन और भारी संख्या में पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अंजू चौधरी और मुख्य अतिथि पंकज सिंह ने कहा, इतिहासी बनाएंगे ऐसा हम निश्चित तौर पे आप लोगों से यह आग्रह विनती करते हुए हैं। आप लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम को सफल ग्रामीण विधानसभा के हमारे सभी कार्यकर्ता मंच के सामने अपनी बाइक लगाएंगे, कृपया स्थानित करें। एक बार मैं फिर आपके इस बाइक कमल संदेश जिला पंचायत के सामने जो मुख्य गेट है बाइक रैली को निकालेंगे और कचहरी चौराहे पे जाएंगे। सभी सम्मानित साथी, हमें रूट बोला गया है, अभी पीछे पीछे लगिएगा रूट। घोष कंपनी चौराहे, घोष कंपनी चौराहे से होकर के रेती होते हुए निकलेंगे। मंच खाली करिए, मंच खाली करिए। अरे मुख्य अतिथि आ गए हैं, मंच पर खाली करिए, इतने मंच खाली करिए। मंच खाली करिए, सभी लोग मंच खाली करें। कार्यकर्ताओं का योगदान है, सब लोग अनुशासन में रह करके इस कमल संदेश यात्रा को सार्थक बनाए। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन आप सब लोगों का मैं करता हूं। मैं जानता हूं कि नौजवान आज पूरी ताकत के साथ, पूरे संकल्प के साथ अब सीधे इस मैदान से बाहर सड़कों पर निकल परिवर्तन पूछते हैं। ये विपक्ष के लोग परिवर्तन पूछने का काम करते हैं कि बदलाव कहां पर हुआ है। मित्रों, ये विपक्ष के लिए बड़ा बदलाव तो सिर्फ यही अगर देख लिया जाए कि जो लोग जिस पार्टी के लोगों ने जिनके पार्टी के नेता या दावा किया करते थे कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक किसी एक वर्ग का है, आज उसी पार्टी के नौजवान नेता, आज उसी पार्टी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज देश भर में घूम घूम कर जनेऊ दिखाते हैं और वह दावा करते हैं कि मैं भी शिव भक्त हूँ या भारतीय जनता पार्टी और आप सब राष्ट्रभक्त नौजवानों की संभव हो पाया। वैसे क्यों के कारण मैं आज कह सकता हूं कि एक समय ऐसा था जब लोग भारत माता की जय बोलने से ही कांग्रेस सपा उसका, लेकिन टोपी का झंडा अगर ना हो और आप बिना झंडे और पटका और टोपी के निकल जाइए, लेकिन सिर्फ भारत माता की जय बोलने वाला Oh, my God.
ये बहुत ज्यादा मजबूती इसलिए प्रदान करेगी कि पूरा शहर भगवामयी हो गया, पूरा शहर कमल निशान से छाप छान जाएगा और बाइक लगभग 2000 से ऊपर बाइक पर हमारे लोग इसमें दो के साथ दो समझिए कि एक उनके साथ है, 4000-5000 लोग एक साथ जब एक संदेश देंगे कि कमल निशान कितना मजबूत है तो हमारे ख्याल से आगे आने वाले 2019 हम लोग के लिए बहुत सुपर मंगलमय होगा। देखिए आज तो यहाँ अपने आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है कि कार्यकर्ता खूब उत्साहित हैं और भारतीय जनता पार्टी का रन फॉर यूनिटी के बाद मैं कह सकता हूँ कि सड़क पर आकर यह दूसरा हमारा बड़ा कार्यक्रम है। ऐसे अनेक कार्यक्रम आने वाले हैं लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह आज दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास दिखाई देता है और इन सब चीज़ों को देखकर मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में भी या आने वाला समय भी भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम सब लोग इस प्रदेश और देश का विकास होगा इतना मैं कह सकता हूँ। तो मैंने पहले ही कहा कि यह उत्साह दिखाई दे रहा है लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ। 2019 में भी मैं कह सकता हूँ कि बड़ी विजय मिलेगी और 2014 से भी बड़ी विजय 2019 में हासिल होगी।